मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में नायब तहसीलदार व पटवारियों पर भूमाफियों के हमला करने का मामला सामने आया है। भानपुरा तहसील के कालाकोट गांव में अवैध खनन की सूचना पर राजस्व की टीम पहुंची थी। हमले में राजस्व के कुछ लोग भी चोटिल हुए। भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ का गांव कालाकोट है। पथराव के दौरान पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस ने दो व्यक्तियों को नामजद व 20 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया है। पकड़ने आए थे ट्रैक्टर, तो इसकी जानकारी मेरे को सुबह मिली और सुबह को जो रात में लड़ाई झगड़ा या कुछ पथराव हुआ, तो इसलिए साहब ने बोला कि गाड़ी वहाँ से गया ना, तो मैं सुबह से नहीं आया हूँ। सुबह मैं पटवारी पद। आपको किसी प्रकार की कोई सूचना वगैरह? सूचना पकड़ने आए तो मेरे को रात में सूचना मिली थी। रात में तो 12-1 बजे बाद मिली सूचना। अच्छा, ये घटनाक्रम होने के बाद? हाँ, घटनाक्रम होने के बाद। ये 11-12 जानकारी अनुसार पहले भी इस जमीन का विवाद 2003 में चल रहा था। सकन कलेक्टर के पास पहुंच चुका है। आदेशित कार्रवाई बाकी थी। अभी विवाद का कारण जानना चाहा तो पता चला कि वहां जो गड्ढा हो रहा था उसमें 30 से 40 परिवार के लोग लगकर खुद ही मिट्टी डाल रहे थे। तभी राजस्व विभाग की कार्रवाई करने पहुंची पटवारी व तहसीलदार से बहस हुई और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट व पथराव से पुलिस वाहन व राजस्व वाहन दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ पुलिस कर्मचारी को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को नामजद व 20 लोगों को आरोपी बनाया है। हाँ, क्या हुआ फिर आपको? क्या हुआ, आई जीप एक बार तो तहसीलदार की ना, 5 लिखा तो जीप पे तो आयोग तो यहाँ खड़ी कर उन्हें भी नहीं पूछी माँ कि भाई कहीं समस्या है। वहाँ जा ट्रैक्टर आ रहे थे ना ये मिट्टी को बरान, उनका आड़ा फरिया उनको मोबाइल भी छीन लियो, उनका ड्राइवर के थापड़ा अपना दिए अतरे फिर ये 5-4 चल गया जो अना नाकाउ कर भाग लिया दाम दी मोही। रात्रि कल रात्रि 10 बजे कालाकोट से नायब तहसीलदार रविवार साहब का फोन आया था पुलिस के पास कि हमारे ऊपर पथराव हुआ है। हम लोग तत्काल पूरे फोर्स के साथ कालाकोट पहुंचे और वहाँ देखा कि तहसीलदार साहब की गाड़ी पे पथराव हुआ था और वो हमारे हम उनको लेके आए हैं, थाने उनको लिया है, अब उनका प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।